बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट फोर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। प्राइम एट फोर में आज खास क्या है, पहले उस पर एक निगाह। प्राइम एट फोर में आपको दिखाऊंगा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट खारिज, किसने रची देश में आर्थिक अराजकता वाली साजिश, ये खबर है क्या, इन डिटेल आपको बताऊंगा। बंगाल की निर्भया पर देश में बवाल, सड़क पर डॉक्टर, ममता सरकार पर बड़ा सवाल, पूरी खबर दिखाएंगे डिटेल के साथ। कुदरत का प्रलय काल, जयपुर की सड़कें कैसे बन गई ताल, ये खबर भी आज आपके सामने होगी। और कश्मीर पर सवाल उठाने वालों को मिल गया जवाब, पुलवामा की तिरंगा यात्रा में उमड़ा लोगों का सैलाब, ये खबर भी डिटेल के साथ आपके सामने रखूंगा। एडी डॉक्टर के मर्डर केस की, कोलकाता के डॉक्टर मर्डर केस में एक बड़ा ऐलान हुआ है, सीबीआई जांच का ऐलान कर सकती है ममता बनर्जी। परिवार से मिलने के बाद ममता बनर्जी का बयान, रविवार तक सीबीआई को सौंप दिया जाएगा यह मामला। बनर्जी ने कहा कि इससे पहले कई मामलों में सीबीआई विफल रही, लेकिन हमने सीबीआई को मामले की जांच सौंपने से हमें कोई सफल कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पुलिस যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে, আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা খুন কিনারা করতে না পারেন, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই কে দিয়ে দেব। তার কারণ হচ্ছে আমার এতে কোনো পাওয়ার লেনা দেনা কিছু নেই, আমি প্রথম দিন থেকেই বলছি, কিন্তু ওদের সাকসেস রেট খুব কম। তাপসী মালিককে যখন খুন করে হত্যা করা হয় ধর্ষণ করে। और कोलकाता की घटना पर भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार को घेरा है, ममता सरकार हमेशा अपराधियों के साथ ही दिखाई देती है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है। देश भर में जो रेसिडेंट डॉक्टर्स के एसोसिएशन है वो आंदोलन पे उतर चुके हैं, वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, परंतु ममता बनर्जी की सरकार हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी होती है, संदेश खाली में शाहजहां के साथ, उत्तर दिनाजपुर में ताजमहल के साथ, और आज भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि इस अपराधी जिसके शायद टीएमसी से लिंक है उसके साथ खड़े होने की चेष्टा है। और कोलकाता के रेप मर्डर केस में पुलिस का बयान सामने आ गया है, अब तक एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी की तलाश जारी है, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। फेक न्यूज पर प्रदर्शनकारी ध्यान न दें, पुलिस का ये भी कहना है, एक की अरेस्टिंग हो गई है, बाकी की तलाश जारी है, फेक न्यूज भी सर्कुलेट कर रही है उस पर प्रदर्शनकारी ध्यान न दें, पुलिस का ये कहना है। और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या का यह मामला गर्मा गया है, मर्डर के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स का देशव्यापी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उन्होंने हड़ताल कर दी है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला, सफदरजंग अस्पताल के बाहर भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन देखने को मिला, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन दिखाई दिया, हाथों में तख्ती और बैनर लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स का प्रदर्शन यहां देखिए, कोलकाता में भी डॉक्टर्स ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है, आरजी खैर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का प्रदर्शन भी आपको मैं इन तस्वीरों में दिखाऊंगा। यहां कोलकाता की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग, जैसा कि हमने आपको बताया, की जा रही है। डॉक्टर्स की संस्था ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है, कोलकाता के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने तीन डिमांड रखी है, डिमांड पूरी नहीं होने पर देशव्यापी हड़ताल का ऐलान उन्होंने किया। उधर ममता बनर्जी कह रही हैं कि पुलिस इसमें इफिशियंटली काम कर रही है, और अगर पुलिस संडे तक इस मामले में कामयाब नहीं होती है तो हम सीबीआई को केस हैंडओवर कर देंगे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के हत्या के विरोध में आज रेजिडेंट डॉक्टर्स की यह हड़ताल देशभर में आपको बताया मैंने देखने को मिल रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स के इस देशव्यापी संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश के सभी सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन से हड़ताल का ऐलान किया है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल सफदरजंग में डॉक्टर अस्पताल के बाहर सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में भी डॉक्टर बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर हैं। हड़ताल का सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल पर दिखाई दे रहा है, यहां इन तस्वीरों में इन तमाम जगहों से आई अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, केरल, चंडीगढ़, इस मामले को लेकर देशव्यापी हड़ताल। कोलकाता में इस वक्त क्या स्थिति है, एक रिपोर्ट में देखिए। कोलकाता की सरकारी अस्पताल आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में शुक्रवार सुबह को एक महिला डॉक्टर का शव मिला, और उसके बाद पुलिस से छानबीन में ये सामने रखा कि उस महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता के साथ बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद ही आज पूरे देश भर में फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल बुला
आई है और हमारी मौजूदगी फिलहाल उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में है। और यहाँ पर हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि रेसिडेंट डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, हर कोई जो है यहाँ पर, तमाम अस्पताल के स्टाफ हड़ताल पर है और यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कई ऐसी उनकी मांगे हैं जिसे सामने रखी गई है, जैसे प्रिंसिपल सुपर का जो है इस्तीफा देना और साथ ही असिस्टेंट कमिश्नर को भी इस्तीफा देना होगा और जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए इस पूरे मामले में। जो पीड़ित महिला है उनके परिवार के लिए कोई आर्थिक मदद जो है वो भी की जाए। लेडी डॉक्टर के मर्डर के बाद एक्शन में एनसीडब्ल्यू दिखाई दे रही है। नेशनल कमीशन फॉर वुमन, इस मामले पर कोलकाता जाएगी एनसीडब्ल्यू की टीम। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या का यह मामला, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का दौरा करने वाली है एनसीडब्ल्यू की टीम। और डॉक्टर मामले में कोलकाता पुलिस का एक्शन, आरोपी संजय राय की बाइक को पुलिस ने सीज किया, पुलिस लिखी हुई ये बाइक जब्त की गई। डॉक्टर की बाइक में पुलिस क्यों लिखा हुआ था, सवाल ये भी है। और यहां उस डॉक्टर की बाइक को सीज कर लिया है कोलकाता पुलिस ने। कन्नौज से यह खबर देखिए, कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नेता गिरफ्तार किया गया है। रेप की कोशिश के आरोप में नवाब सिंह की गिरफ्तारी हुई है। नवाब सिंह पर नाबालिग बच्ची से रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़िता के साथ आरोपी को रात 2 बजे पकड़ा है। अखिलेश और डिंपल के बेहद करीबी माने जाते हैं नवाब सिंह यादव। यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और PRV मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। और पटना के इस घटना के सामने आने के बाद इस पर अब पॉलिटिक्स तेज है। एक ओर समाजवादी पार्टी नवाब सिंह को BJP से जोड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी नवाब सिंह को समाजवादी पार्टी का बता रही है। देखिए, सिंह पकड़े गए तो सुबह सुबह थाने में पता करो किस पार्टी के नेता पहुंचे थे उसको बचाने के लिए। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये बात आप पता कर लाएंगे और अपने खोजी पत्रकारों के माध्यम से उन चेहरों को एक्सपोज कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नवाब सिंह को बचाने के लिए BJP के नेता सुबह सुबह थाने पे पहुंच गए थे। और फिर वो महिला भी BJP की, नवाब सिंह भी BJP के, सारे BJP के, और BJP के लोग मिलकर सब व्यभिचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कन्नौज जैसे जनपद में। तो निश्चित है BJP योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से फेल हो चुके। नवाब सिंह यादव कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है। और जिस तरह के घिनौने आरोपों में रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब समाजवादी पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। पहले अयोध्या के मोहित खान और अब कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव, यह समाजवादी पार्टी का चरित्र है। बड़ी खबर राजस्थान से, जयपुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, मूसलाधार बारिश से सड़कें लबालब। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। राजधानी जयपुर में हो रही भारी बारिश ने गदर मचा दिया है। मूसलाधार बारिश ने जयपुर वासियों के होश उड़ा दिए हैं। पूरे शहर का हाल बेहाल हो गया है। जयपुर में कल से शुरू हुआ बारिश का दौर अब तक जारी है। भारी बारिश से कई इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रही है, आ रहा है और लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त नजर आ रही है। मौसम विभाग ने पिंक सिटी में रेड अलर्ट जारी किया है, मतलब बारिश अभी और तबाही मचाने वाली है। जयपुर के ताजा हालात क्या है, हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने आपके लिए ये रिपोर्ट भेजी। तो जयपुर की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन समाधान निकलते नजर नहीं आते। लोग परेशान हैं, परेशानी और पानी चारों तरफ नजर आता है। ये जयपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी जयपुर की। मैं इस वक्त JCB में मौजूद हूँ और तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये पानी भरा हुआ है और JCB में हम लोग जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग इस रास्ते से निकलने के लिए मजबूर हैं। आप देखेंगे सामने लोग जो वहाँ थे उसी तरफ खड़े रह गए, क्योंकि पैदल इसे पार कर पाना बहुत मुश्किल है। हम ये जो टीम आपदा प्रबंधन की आई थी उस टीम के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर के तमाम हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है। चाकसू में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। स्टेट हाईवे के ऊपर
बह रहा है नदी का पानी। उफनती नदी को पार करके आगे बढ़ने के लिए लोग मजबूर हैं और ये खासा जोखिम भरा है। स्थानीय लोगों की स्थिति देखिए, यहाँ पुल के ऊपर से बहता पानी देखिए, पानी का बहाव देखिए और गुजरते हुए लोगों को देखिए, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और करौली में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। हिंडौन के मेन बाजार में जलभराव हो गया है। बाढ़ के हालात के बाद दुकानों के शटर डाउन हो गए हैं। निचले इलाकों से लोगों का रेस्क्यू किया जाना जारी है। राहत और बचाव के काम में स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ। दौसा में भारी बारिश के बाद स्थितियां बिगड़ रही हैं। तहसील टोटा भीम के पास बांध टूट गया है। बांध टूटने से आसपास के गांव में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार बारिश के चलते आज स्कूलों में भी छुट्टी घोषित की गई है। ये दौसा राजस्थान से तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ टोटा भीम में हालात खास तौर से बिगड़े हुए हैं। स्थिति के मद्देनजर स्कूलों में भी छुट्टी घोषित की गई। आज सुबह से यहाँ तेज बारिश हो रही है, जबकि मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों तक अभी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। दौसा में अभी तक 258 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। और राजस्थान में बारिश इस तरीके से मुसीबत बनी हुई है कि कई शहर सैलाब से त्रस्त हैं। 5 तस्वीरों के जरिए आपको हालात बता रहा हूं मैं। जयपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति। लगातार बारिश की वजह से न सिर्फ गाड़ियां बल्कि एम्बुलेंस भी फंसी हुई हैं। दुकानों और घरों में पानी भरा हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने जयपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर वाले रास्ते से लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि संडे को 100 लोग मंदिर से वापस जाते वक्त पानी की तेज धार की वजह से रास्ते में फंस गए थे। बूंदी में बारिश से शहर में 4 फीट तक पानी भर गया। हिंडौन में भी हालात बदतर हैं। बाजार में कई फीट पानी बह रहा है। पूरा मार्केट दरिया में समा गया। करौली में बारिश से मकान गिरने के चलते 2 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई। और अब खबर हिमाचल से। पहाड़ों पर भीषण लैंडस्लाइड का हड़कंप है। भयानक लैंडस्लाइड के बाद रास्ता बंद कर दिया गया है। तस्वीर हिमाचल के चंबा की है। भारी बारिश के चलते यहां भूस्खलन हुआ और देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। फिलहाल मलबे को सड़क से हटाने का काम किया जा रहा है, जिससे गाड़ियों की मूवमेंट को स्मूथ किया जा सके, वापस शुरू किया जा सके। और उत्तराखंड से ये खबर देखिए। रुद्रप्रयाग में भयानक लैंडस्लाइड से तबाही। केदारनाथ पैदल मार्ग के सामने भूस्खलन हुआ। तस्वीर भीमबली के सामने की है। लगातार बारिश के बीच मानो पूरा पहाड़ ही भरभरा कर गिर गया। ये चट्टानें सीधे मंदाकिनी नदी में समाती चली गई। गनीमत यह रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। आज भी रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भीमबली में टूटता दरकता पहाड़ आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है और कैसे चट्टाने फिर पास से ही गुजर रही मंदाकिनी में। और अब हिमाचल और उत्तराखंड दोनों ही जगह की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। चंबा की आपको मैंने तस्वीर दिखाई लैंडस्लाइड किस तरीके से वहां हुआ, और रुद्रप्रयाग उत्तराखंड यहां की तस्वीरें देखिए। यहां 2 राज्यों में तबाही की तस्वीरें, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक। और सियासत और तेज हो गई। बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। रविशंकर प्रसाद ने कहा देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, देश को कमजोर करने की साजिश हो रही है। बीजेपी ने इसे शेयर बाजार को धराशायी करने की साजिश करार दिया है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर जहां कांग्रेस कई सवाल उठा रही है, तो अब इस मामले में केंद्र सरकार ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस देश को आर्थिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है और हिंडनबर्ग के साथ मिलकर काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए, और बन तो गए तो इनको बेदखल करने की पूरी कोशिश करो। और पीड़ा की बात यह है, हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे, निर्मला सीतारमण जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। हिंडनबर्ग केस में गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला। राहुल जयराम रमेश बदनाम करने वाला गैंग है, गिरिराज सिंह ने कहा। ये दोनों देश को बदनाम करने का एक गिरोह है। देश के भीतर नागरिकों को ये गुमराह करते हैं, देश के बाहर राहुल देश की बदनामी करते हैं। देश की जनता को ऐसे लोगों से सावधान होकर रहना चाहिए। ये देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश।
हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये लोग देश के दुश्मन हैं, अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हमारी आर्थिक प्रणालियां रिग कर ली गई हैं, इसकी रिगिंग जिस स्केल पे हुई है उसमें जिस पर शक है उसके डिनाइल से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए राहुल जी हों या अन्य विपक्ष हो, सब कह रहे हैं कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हालांकि दूध का दूध पानी का पानी अभी भी काफी हद तक है, लेकिन देश की आर्थिक प्रणालियां सिर्फ एक व्यक्ति और एक दल सत्ता में, उससे नहीं चला करता। और कंगना रनौत का राहुल गांधी पर हमला सामने आया, राहुल गांधी सबसे खतरनाक इंसान है, कहा कंगना रनौत ने। कंगना ने राहुल गांधी को जहरीला कहा, देश की सुरक्षा को अस्थिर कर रहे हैं राहुल गांधी, अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आर्थिक अराजकतावादियों के साथ कांग्रेस खड़ी हुई। तो आज राहुल गांधी और उनकी जमात सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं क्या? एक व्यक्ति का एक पार्टी का विरोध करते करते आर्थिक अराजकतावादियों के साथ खड़े हो जाना, भारत की संस्थाओं के खिलाफ खड़े हो जाना, भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाना, केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए? सेबी अदानी जी को क्लीन चिट देता है, अदानी जी इस मामले में माधवी जी को क्लीन चिट दे रही हैं, और मोदी जी तो दोनों को ही क्लीन चिट देके बैठे हैं। बात यह है कि ये दोनों आपस में जो क्लीन चिट का गेम खेल रहे हैं उसमें नुकसान किसका हो रहा है? देश की संपदा के दम पर एक आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना हुआ है और उनके मित्र उनको के ऊपर सवाल उठते हैं तो उन सांसद खड़े हो जाते हैं उन सवालों को दबाने के लिए। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश हो रही है, भारी बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर है, अलकनंदा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, रुद्रप्रयाग के सभी घाट पानी में डूबे हुए हैं, बेलनी इलाके में घरों के भीतर तक पानी पहुंच गया है, पानी के चलते यहां जो मुख्य शिव मूर्ति है वो भी डूब गई है, नमामि गंगे के तहत बना घाट जो पूरी तरह यहां जलमग्न दिखाई दे रहा है, वहां से हमारे संवाददाता रोहित ने आपके लिए ये रिपोर्ट भेजी। बदना क्षेत्र में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है, इसके अलावा रुद्रप्रयाग जनपद में भी लगातार पिछले एक सप्ताह से बारिश जारी है। इस समय हम खड़े हैं बेलनी पुल के ठीक नीचे, आप देख सकते हैं यह नज़ारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब 15 से 20 मीटर ऊपर शिव की मूर्ति हुआ करती थी, वह भी जलमग्न हो गई है। इसके अलावा स्नान घाट सभी जलमग्न हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि स्नान घाट तक पूरा पानी आ चुका है। हर बार बरसाती सीजन में, मानसूनी सीजन में यह स्नान घाट जलमग्न हो जाते हैं। इसके अलावा यह सच्चिदानंद नगर है रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय का, यहाँ तक पानी आया था। आप देख सकते हैं माँ अलकनंदा अपने रौद्र रूप में है, बहुत ही भयावह तरीके से बह रही है, जिस कारण रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय का बेनी जो क्षेत्र है वह प्रभावित हो जाता है। आप ठीक सामने देख सकते हैं यह हनुमान मंदिर है, यहाँ तक पानी आ चुका है, और धीरे धीरे अगर बद्रीनाथ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश जारी रहती है तो पानी घरों तक पहुंच जाएगा। आप देख सकते हैं कि डेंजर लेवल तक पानी पहुंचने वाला है। जो माँ अलकनंदा का जलस्तर है वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिस कारण रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय के बेलनी क्षेत्र को बहुत बड़ा खतरा होने जा रहा है। वर्ष 2013 की आपदा के बाद से लगातार आप देख सकते हैं कि जो जलस्तर है वह काफी बढ़ चुका है। और बिहार के जहानाबाद में सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मच गई, भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। लाठी चलने के बाद श्रद्धालुओं में भगदड़ मची, मंदिर के बाहर प्रसाद बेचने वालों ने चलाई थी लाठी, दुकानदारों ने भीड़ को हटाने के लिए लाठी चलाई थी और उसके बाद मच गई यहाँ शिव भक्तों से अपील करूंगा कि भगवान के दर्शन भी करें, भगवान को जल अर्पित भी करें, लेकिन सावधानी से करें, यही मैं प्रार्थना करूंगा। जो लोग मृतक हुए हैं मैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, उनके परिवार को जो कष्ट हुआ है महादेव उनको सहने की ताकत दे। बहुत बड़ा खुलासा नवभारत पर, बांग्लादेशी पत्रकार का बड़ा दावा, बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी ने बयान दिया है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो राहुल को सब पता था, खालिदा जिया के बेटे से मिले थे राहुल, सलाउद्दीन का कहना है। लंदन में राहुल और तारिक रहमान की मुलाकात हुई थी, सलाउद्दीन ने कहा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है, ये बात राहुल गांधी को पहले से पता थी। यही नहीं, बांग्लादेशी पत्रकार ने यह भी कहा कि वक्त आने पर वो इसके सबूत भी सबके सामने रखेंगे। और आगे आपको दिखाऊंगा अभिषेक।